अध्यक्ष जी, आज माननीय हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ में रिट संख्या 5580 की डेट आज लगी थी, उसके न्यायालय की कार्रवाई से अवगत कराएं। मैं आज जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को के जवानों को मैं अवगत करा रहा हूं, और इस चैनल के माध्यम से जो भी खबर जाती है वो सत्य और सही जाती है, इस पे किसी प्रकार का झूठ नहीं होता है। ये सिर्फ होमगार्ड विभाग के ही लिए ये चैनल है, ये अपना चैनल है, इसके माध्यम से हम पूरी तरीके से सही खबर देने जा रहे हैं। आज जो लगी थी 5580, उस पे करीब 2:30 बजे हमारा 53 नंबर आ गया, और 53 नंबर जब सुनवाई हुई तो आज जो इन्होंने प्राइवेट वकील कर रखा था वो आया नहीं, सरकारी अधिवक्ता मौखिक रूप से वही समीक्षा याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर गृह मंत्रालय की तरफ से दाखिल किया आनंद प्रसाद दिल्ली के खिलाफ, वो असल बात होती है ये समीक्षा 23 में दाखिल किए हैं और इसका समय होता है 30 दिन का सुनवाई, वो नहीं है मिल पा रहा इनको, ना उस पर कोई सुनवाई हुई है, ना कोई आदेश निर्देश हुआ है। और शायद ये भी मेरी जानकारी में आया है आज कि वो खारिज हो चुकी है, क्योंकि सालों हो चुका था और 30 दिन का टाइम होता। अब जब नहीं तो न्यायमूर्ति महोदय खंडपीठ 18 नंबर मनीष कुमार जी ने नहीं माना उनका मौखिक, कहा अब आप दाखिल करिए, लिखित रूप से दाखिल करिए, जो भी दाखिल करिए वो लिखित रूप से दाखिल करिए। तो एक सप्ताह विभाग को दिया गया है दाखिल करने, और दूसरे जब वो दाखिल कर देंगे तो उसका जवाब हमारे अधिवक्ता दाखिल करेंगे, तो ये 2 सप्ताह का समय हुआ। तो इधर होली त्योहार पर रहा, इसलिए 2 सप्ताह का दे दिया है, और ये 2, 3, 4 तारीख को पुनः फिर लग जाएगी। अध्यक्ष जी, जिस रिव्यू याचिका का इन्होंने पहले हवाला देकर के समय लिया था, क्या उस संबंध में कोई कागज या कोई एविडेंस दाखिल कर सके हैं लोग? अब तक ये 4 डेटें पड़ चुकी हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं, ये जब तक सोच रहे हैं बढ़वा ले जाएं, बाकी सब कुछ होगा अपने उसमें। अब जितना ये बढ़वा लें उतना ये विभाग पैसा देता है, तो वो दिखाएंगे कि हमने तो बढ़ाया आप दे ही नहीं पाए कुछ, तो अब क्या अदालत सब लिखित रूप से काम करती है, लिखित रूप से लेती है, इसलिए ये इनकी मौखिक ना मान करके ये अब तक अगर होता तो दाखिल कर देते। वो कोई आदेश निर्देश सिर्फ दिल्ली के लिए सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं ये अदालत को, तो कब तक भ्रमित कर देंगे? 2, 3, 4 तारीख, चलिए मार्च नहीं अप्रैल से ही, अब जो निर्णय होगा वो अब अप्रैल में आएगा दाखिल करने के बाद। अध्यक्ष जी के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई बताई गई उसके हिसाब से 2 सप्ताह का समय दिया गया है, और अग्रिम अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पुनः जो है डेट लगेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस पे डाल देते हैं वो पिक्चर, ये पिक्चर नहीं है, चट मंगनी पट वाला नहीं है, ये अदालत है, न्याय का घर है। लोग डाल देते हैं वो सनि देवल वाली तारीख पर तारीख, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ जो लोग ये ऐसी हरकत कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ एक तारीख आ जाए, और जब वहाँ कुछ होने लगे तो कम से कम वहाँ जवाब दे सके न्यायमूर्ति को, यही हवाला दे दें कि तारीख पर तारीख। हम लोग अभी वैसे आए हैं, अभी समय बज रहा है 6:30-7 समय, मैं अभी भी आया हूँ, मैं बोल ये जो है आप लोगों को तो ऐसी हरकत ना करें, ये न्यायालय है, न्यायालय अपने हिसाब से काम करता है। आपकी तरफ से हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ न्यायालय में कौन कौन उपस्थित रहा आपकी टीम में? आज यहाँ पर 112 का जो केस दाखिल है अजय बनाम उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तरफ से, होमगार्ड के जो 112 में थे उन्होंने परमानेंट क्लियर है, वो लोग कई 6-7 लोग थे, और विभाग के तरफ से 6-7 थे, और एक राकेश कंपनी कमांडर लखनऊ 3 नंबर कंपनी के हैं, वो
कभी परीक्षा उपनिरीक्षा की दिए थे तो उसमें उनकी भी लगी थी, वो भी उपस्थित थे, सबके सामने यह सुनवाई हुई। सबसे पहले हमारी ही 353 सुनवाई होने लगी, सभी लोग सुन रहे थे। तो वहाँ पर सभी हमारे साक्षी थे, लखीमपुर से भी थे और हमारे अन्य मित्रगण अधिवक्तागण थे और जो केस कर रहे हैं वो भी मौजूद थे। तो ये सब काम होता है, ये कोई घर का काम नहीं, ये न्यायपालिका है। न्याय बिल्कुल छान के पानी देते हैं, फिल्टर करके, ऐसे नहीं मौखिक मान ले। यही लिए कहता हूँ, जो भी आप पत्राचार करें, लिखित रूप करें, जैसे न्यायालय काम करते, तभी आप जीत पाएंगे, वरना मौखिक किसी की नहीं सुनी जाएगी। और ये सब तनी देवल वाला ये पिक्चर है, पिक्चर पे न जाइए, और पुलिस बहुत कुछ कर देती है और खाली कहने चट मंगनी पट ब्याह उसमें हो जाते हैं। तो ये न्यायालय है, ऐसा नहीं होता है। तो ये गलती ये भ्रमित ना करें, ये डाल करके मैसा जैसे आज नहीं कल होगा और पक्का होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।